गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है डे 64, तारीख है अक्टूबर 17 और आप देख रहे हैं इंडिया टू लंदन रोड सीरीज। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एट द रेट एडवेंचर विद संजय। अभी आप देख रहे हैं मैं हूँ टोरंटो में और यहाँ पे हम कल रात को पहुँच गए थे और कल का ड्राइव हमारा ना थोड़ा ऑफ बीट था, मतलब ऑफ बीट जो हमारी प्लानिंग के अनुसार ऑफ बीट था। हम रोम से मिलान की तरफ जाने के बजाय हम साउथवर्ड आ गए और फिर हमने काफ़ी सुंदर और बहुत पॉपुलर कोस्टल टाउन्स देखे, फलाफी, पोस्टानिया, टोरंटो, और आज हम निकलेंगे नेपल्स से होते हुए ऊपर रोम की तरफ और जहाँ तक जा पाएंगे जाना है क्योंकि टारगेट मिलान में है। मिलान में मिस्टर मदन जी को भी आना है। अच्छा, मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ अभी जहाँ हम रुके हैं ना, ये देखिए। तो ये एक अपार्टमेंट है, हमने booking.com से देखा था। तो ये हमारी कार्स खड़ी हैं, होपफुली ये लेडीज आ रही है तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी आसानी से। मैं यही सोच रहा था कि ये कार निकालने में दिक्कत होगी। और बाय द टाइम 9 बजे तक निकलेंगे, अभी 8 बजे है, मैं रेडी होकर निकल गया हूँ। तो मैं ना सी साइड पर जा रहा हूँ, कुछ देखता हूँ और कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ देखो कितने फ्रूट्स लगे हुए हैं यार, ये पता नहीं क्या है, मौसमी लग रही है, बड़ी साइज़ की है बहुत ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। और उधर पीओ देखो, येलो येलो लगा हुआ है एंड देयर सो मेनी फ्रूट ट्रीज हेयर, सो मेनी फ्रूट ट्रीज हेयर, ऑल दिस या। एंड ये अपार्टमेंट था हमारा, इस फ्लोर पे है ऊपर। और ये एक्चुअली क्या है, किसी के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, किसी ने इसको वो दिया हुआ है रेंट पे, मतलब चढ़ा देते हैं ऐसे ही ना। तो कल उसने कैश ही लिया और कोई एंट्री भी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, क्योंकि उसको भी लगा कि सुबह सुबह तो हम चले ही जाएंगे। तो वो सारे कंट्रीज़ में होता है जहाँ जो जैसा बचा सके बचा लेता है। ये देखिए इसका एंट्री देखिए आप, मतलब मेन डोर सामने है ये, और किसी का भी होगा उसने यहाँ बाहर बैठक भी बनाई हुई है। ऑल्टीट्यूड अबव सी लेवल 56 मीटर्स है खाली, और अभी टाइम एग्जैक्टली 8:24 हो गया है। अब ये खुलेगा कैसे? हाय, चाओ, या ओके। तो यहाँ से ये वाला बटन प्रेस करने से ये खुल जाता है, इसका डोर देखिए आप ये ना। और ये बहुत संकरी सी सड़क है, लेकिन यहाँ से तो गाड़ी खैर हमें लानी भी नहीं है, हमें अलग डायरेक्शन में जानी है। ये ना चाओ बोलते हैं ज़्यादा, गुड मॉर्निंग टू चाओ, ग्रेशिया ग्रेशिया। तो ये देख रहे हैं एकदम कॉबल्ड पाथ है ये चलने के लिए, जैसे हमारे गांव वगैरह में होता है ना वैसे है ये, छोटा छोटा, और ये देखिए बड़े बड़े घर से ऐसे कुछ कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, प्रोविंस का नाम लिखा हुआ है NAPOU, और कुछ है मतलब ये घरों का कुछ होगा, सर्टिफिकेट होगा। तो मिस्टर हरप्रीत तो कल गए थे यहाँ पे, अब देखो अब इन्होंने स्कैफोल्डिंग लगाई है ना घर को रिपेयर करने के लिए, लाइट लगाना ज़रूरी है, रेड लाइट रात में चमकती होगी, अभी थोड़ा थोड़ा दिख रही है। तो मिस्टर हरप्रीत तो गए थे रात को डिनर करने नीचे, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे को एडिटिंग करना था। और फिर मैंने ना गाड़ी में ही जब हम होटल ढूंढ रहे थे तो जैसे मैंने आपको बताया हल्दीराम वाला मेरे पास वो था मिक्स दाल चावल, तो मैंने उसको गर्म पानी डाल के गाड़ी में ही खा लिया था। तो मेरे को टाइम भी बच गया और मैं एडिटिंग कर पाया थोड़ा सा। तो देखो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा अगर आपको ब्लॉगिंग साथ साथ करनी है, नहीं तो मैं भी उनके साथ जाके एंजॉय कर सकता था, लेकिन उनका मोटा खर्चा हो गया डिनर पे 18.5 यूरोस, मेरा हुआ 30 रुपीस, नॉट इवन हाफ ए यूरो। ये देखिए दोस्तों सामने समुंदर नज़र आ रहा है, ये देखिए सामने ओशन एंड बीच, और आप देख रहे हैं बहुत सारी बीच अम्ब्रेलास फोल्डेड लगे हुए हैं उधर पिंक कलर के, इधर येलो कलर के, और बीच बहुत मस्त लग रहा है यार।
क्योंकि ना वेव्स बिल्कुल, ये ना लेगून टाइप का बन गया, उधर से भी वो बनी हुई है ना प्रोटेक्शन वॉल, तो यहाँ वेव्स कितनी शांत है, मतलब इट बी सो मच ऑफ फन टू गो इन द सी हियर। लेकिन अब वही बात हो गई क्योंकि है ही नहीं कोई, और मेरे को पता है कितना नीचे उतरना पड़ेगा, जस्ट इमेजिन। तो ये सीढ़ियाँ तो जा रही है कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के, हाँ वहाँ से जा रही है, तो मेरे को काफ़ी उतर के जाना पड़ेगा। और जा भी सकता हो, जाऊँ क्या दोस्तों बोलो, थोड़ी सुबह सुबह एक्सरसाइज हो जाएगी फिर ऊपर चढ़ने में, लेकिन सी पे जाके करूँगा क्या, वहाँ है बंदा तो कोई है नहीं, तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो बड़ा मतलब जब अच्छा, यहाँ पे ना रूम्स भी बने हुए हैं, वो चेंजिंग रूम्स लग रहे हैं मेरे को, तो अगर थोड़ी देर वेट करते, अगर लेट होंगे यहाँ से निकलने में तो शायद फिर मैं चला भी जाऊँ। लेकिन व्यू बहुत मस्त है यार, बाली से अच्छा व्यू लग रहा है मेरे को यहाँ पे। ऊपर देखो कुछ कुछ घर बने हुए हैं एकदम हिल साइड पे, मतलब सी विल बी रियली गुड। और अभी ना इतना ठंडा भी नहीं है क्योंकि मैंने टी शर्ट ही पहनी हुई है एक, और कुछ भी नहीं। चलो वेट करता हूँ अभी, तो मतलब नीचे जाने का, यहाँ कायक भी नज़र आ रही है मेरे को, और ये दूसरे टाइप की भी है यहाँ पे, ये जो रेड कलर की रखी है, तो देखता हूँ मैं अगर वो रेडी हो जाते हैं टाइम से तो हम निकल जाते हैं, अदरवाइज़ मैं आ जाऊँगा। हेलो 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 हेलो, ये देखो डॉग मस्त, अभी मैंने देखा इसका नाम है टीको टीको गोल्डन बीच। टीको टीको तो रेस्टोरेंट होगा, बीच का नाम गोल्डन बीच है। और हम रात को इसी रास्ते से ऊपर गए थे यहाँ से, और शायद अभी आएंगे भी वापस हम इसी रास्ते से। तो ये गोल्डन बीच है, वैसे तो मेरे को यहाँ कोई गोल्डन कलर नज़र नहीं आ रहा है। ओ ये वाला देखो, इधर इधर भी एक छोटा सा बीच है, ये तो ऑलमोस्ट सोच लीजिए प्राइवेट बीच है, और बहुत सारी कायक्स लगी हुई हैं यहाँ पे। दिस इज़ रियली नाइस बीच यार, बहुत मस्त बीच है। टू अर्ली, कोई नज़र नहीं आ रहा मेरे को। और अच्छा यहाँ गाड़ी भी खड़ी करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आइडिया सही है यार, कार से आते हैं और कार को वहाँ खड़ी करते हैं। और अरे वाह, वो डॉग को देखो क्या मस्त कर रहा है, और यहाँ से इसके अंदर समुंदर में स्विम करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं क्योंकि ना नहाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सॉल्टी वाटर होगा। तो मैं ना उनसे बात करता हूँ फ़ोन पे और आ जाता हूँ फिर यहाँ पे जल्दी से। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं आज 17 अक्टूबर, और नीचे हम गोल्डन बीच पे जाने की कोशिश करते हैं, अगर कामयाब हो गए तो जाएंगे और हरप्रीत जी नहाएंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उनको बहुत लग रहा है कि मेरे को नहाना है, वही देख रहे हैं कि क्राउड है या नहीं, क्राउड है तो जाएंगे, क्राउड नहीं है तो नहीं जाएंगे। आप समझ ही गए, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, तो बाकी देखते हैं। अरे वाह क्या यार, जबरदस्त चीज़ है वहाँ, लेट में ना सर। हाँ चलो जी, हरप्रीत जी एक्साइटेड हो गए हैं क्या सर, वो जो दीवार सी बनी ना, हाँ, सारी गाड़ियाँ पार्क हो रही है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि जा सकते हैं, ये हमारी प्राइवेट बीच है। हरप्रीत जी ने ये बीच खरीद लिया है, कह रहा है ये मेरी प्राइवेट बीच है ये, और टिकट भी लगा दिया अभी से। कितना लगाया सर? जो आप प्यार से दे दो। अच्छा ये कह रहे जो प्यार से जो भी दे दे। ये देखिए टनल में घुस गए हम, सही बनी है टनल है ना, हाइट बड़ी बढ़िया है इसकी, बड़ी बड़े साइज की बसेस जाती होंगी इसमें, ऊंची वाली, विड्थ कम है हाइट ज्यादा है। ओ इधर भी होटल है ये देखो, नहीं तो मैं आया था। अच्छा पास आपने यही खाया था? ये मैं बताता हूँ, ये आ गया मेरा रेस्टोरेंट। ओके टीको 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 टीको, ये रहा सामने। ओके ये जो ब्लू वाला है, लाइन वाला? हाँ जी। ओके ऊपर चढ़ के खाया था? नीचे नीचे। ओके नीचे, ये देखो टीको टीको। यस टीको टीको में इन्होंने पासा खाया था, इसे मैं बंद है, बड़े प्यार से उसने खाया। इतना नीचे उतर गया हूं, फिर चढ़ गया ऊपर। हां वो सारा हजम भी हो गया होगा यहां से, सारी ये वाली बसें निकल गई थी ऊपर जा रही थी। अब देखते हैं कि हमारी गाड़ी यहां जाने देते हैं कि नहीं। जाने देंगे, सुबह सुबह कोई नहीं मोड़ रोक रहा है। चलो नहीं, ये तो आपका बीच है, तो प्राइवेट है, जब आपने खरीद ही लिया तो आपके है। बात ही खत्म हो गई। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ बीच पे आना हो तो मैं हरप्रीत जी का नंबर दे दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम। एनी टाइम
और आपके लिए डिस्काउंट है वो कह रहे हैं कितना? नहीं नहीं इनके लिए फ्री है, फ्री है, फ्री फ्री 200 के लिए फ्री, यही लगा दो यही लगा दो। अरे पहले आपको एक चक्कर तो मरवाऊं, यही लगा दो। अरे आप अभी चक्कर कितना बड़ा है। अरे सर चलो दोस्तों हम बीच पे पहुंच गए। अयो अरे ये आपका क्या, ये वो है इंश्योरेंस गिरा मेरे सीगल पे। हाँ सीगल तो बहुत बैठे हैं। हाँ ओ अच्छा अच्छा यहाँ तो बैरिकेडेड है, हाँ नहीं सकते वहाँ से। जब भी तो मैं कह रहा था कि वाइट लगा देता हूँ, जब आप स्कूटर जा रहे हैं चलो कपड़े निकालो। राउंड दलवा दिया ना सर सबको हमने। हाँ क्या राउंड अब फिर वहाँ जा रहे हो, यहाँ क्यों नहीं लगाई? अरे यहाँ पे सी के सामने लगाएंगे हम, उधर वाले बीच पे जा रहे हैं। किधर? उस वाले बीच पे यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है, परिंदा भी नहीं है, सीगल सीगल ने भी मना कर दिया यहाँ पानी में आने के लिए। अच्छा अच्छा उधर से घुसना अंदर। हाँ तो वहाँ लगा देते, तो फिर आप समझा करो। अरे मैं गाड़ी ऐसे फेस कर रहा था सी की तरफ, यहाँ पे सी नजर नहीं आएगी ना गाड़ी, हमें गाड़ी में तो बैठ के सी देखना है। अच्छा, सी में जाके सी देखना है, सी में जाओ। टीचर की बात मान लिया करो। हाँ बिल्कुल। ये लो सर फिर एक बार अपने संजय जी कूद पड़े हैं ठंडे ठंडे पानी में, और मैं इनको बिल्कुल बचाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं कि एक दफ़ा ये डूबेंगे और ये ना हो हमको ले के डूबें। और आपको मैं सर सराउंडिंग दिखाता हूँ लोगों को कि किस सराउंडिंग में ये डुबकियाँ लगा रहे हैं, ये देखिए सर। और यहाँ पे कोई ख़ास बंदा नहीं है, कोई ख़ास लोग नहीं है। ये देखिए सर कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं सी साइड पे ओवरलुकिंग द वाटर। और ये हम यहाँ ऊपर यहाँ से यहाँ पे रह रहे थे कहीं अंदर, वहाँ से नीचे आए और यहाँ पे ये यहाँ आके गाड़ी लगा दी। और कोई ख़ास आदमी नहीं है यहाँ पे, बहुत थोड़े लोग हैं। ये बुज़ुर्ग लोग भी देखो अंदर नहा चुके हैं, और ये हमारे संजय जी यहाँ नहा रहे हैं। ये लो हाँ ये मेरे को बता रहे हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये लो ओ हो ठंडा सर, खूब ठंडा। नहीं अब तो ठंडा नहीं है। हाँ अब गर्मी छा रही है। ये मैडम नहीं, क्या वीडियो आई है सर आपकी? हाँ नहीं है पानी में बिल्कुल भी। हाँ अमेजिंग, एक कंकर एक पत्थर एक कोरल नहीं है। अच्छा वेरी गुड, साफ सुथरा सर, लोग ही कम है, कोई गंद नहीं है। आ जाओ सर अब, अभी 5 मिनट अब मैं बंद कर रहा हूँ। तो नमकीन पानी में नहा के थोड़ा नमकीन होने के बाद हम चल पड़े वहाँ पे ना, मेरे को 1 यूरो देना पड़ा बाथिंग के लिए। मशीन थी उसमें कॉइन डाला, गरम गरम पानी आया, साबुन में अपना शैम्पू ले गया था। तो उसके बाद मैं तो चाह रहा था कि चलो बाहर निकल ले और चल पड़े नेपल्स की तरफ। पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा था मेरा भी, लेकिन हरप्रीत जी के हाथ में स्टीयरिंग है, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं पहले सोरंटो टाउन के सेंटर में से जाऊँगा जिससे कि आप वीडियो बना सको। देखो कितना ख्याल रखते हैं मेरा, और पता है गाड़ी छोड़ छोड़ के खुद वीडियो बनाने लगते हैं। अरे उसने हॉर्न क्यों मारा हमें, चलो 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 सीधा चलो। और ये जो बीच था ना, अभी जैसे मैं मालदीव्स गया हुआ हूँ, बाली गया हुआ हूँ, बाकी तो नहीं, हाँ पोर्ट ब्लेयर भी गया हुआ हूँ, अंडमान निकोबार और गोवा भी गया हुआ हूँ, और कहाँ गया हूँ, कोवलम बीच भी गया हूँ। इन सारे बीचेस के अंदर ये बीच मेरे को सबसे बेस्ट लगा। हैवलॉक में एक राधा बीच है, वो वर्ल्ड के टॉप फ्यू बीचेस में आता है, लेकिन ये तो मेरे को लगा नहीं, ये तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब परफेक्ट था, सैंड भी एकदम ठीक थी, पैरों में नहीं घुस रही थी, बालों में नहीं घुस रही थी, पानी में सैंड था ही नहीं बिल्कुल भी, और नीचे एक भी पत्थर नहीं था, कोई डेड कॉरल नहीं था, कॉरल से ही नहीं, तो यू कुड गो एनी लेंथ इन द सी। और वेव्स भी नहीं थी, बहुत शांत पानी था, आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो इधर आप ये देखिए सोरंटो शहर, यार यहाँ बड़ी हाई एंड गाड़ियाँ चल रही हैं हरप्रीत जी। हाँ जी ये तो सर मतलब कहते हैं पैराडाइज है सर। और यहाँ पे ये जो स्कूटर खड़े हैं ना, ये हायर पे मिलते हैं, मिनिमम अमाउंट है 600 यूरो पर डे।
600 यूरो नहीं 600 नहीं सॉरी 60 यूरो 60 यूरो एक जीरो गलती से लग गया 60 यूरो पर डे तो स्कूटर आ जाएगा हाँ 60 यूरो पर डे है और फ्यूल अलग तो मतलब महंगा है ये इलेक्ट्रिक तो नहीं थे इलेक्ट्रिक वो तो फिर तो अच्छा ही है मेरे ख्याल से पता नहीं अभी इलेक्ट्रिक है नहीं वहाँ लिखा था ना होटल के नीचे यहाँ जाना है आप अपना गूगल देखो ना ये भी एक होटल है ये छोटी छोटी सड़कें हैं पतली पतली खैर मेरे को तो बीच पे नहा के मज़ा आ गया बीच पे भीड़ होती तो और ज़्यादा मज़ा आता फिर मैं थोड़ा लंबा रुकता अब हरप्रीत जी को देख देख के नहा लिया मैं और क्या करता सर मैंने एक वीडियो बनाई है वो आज डालेंगे आप हाँ हरप्रीत जी ने एक वीडियो बनाई है और वो तो डालनी पड़ेगी अगर नहीं डाली तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा अगली वीडियो नहीं बनेगी फिर अगली वीडियो नहीं बनेगी उन्होंने पहले धमकी दे दी है ये इलेक्ट्रिक साइकिल है या इतनी तेज तेज चला रहे हैं ये नहीं इलेक्ट्रिक साइकिल है इलेक्ट्रिक साइकिल में भी आप पैडल मार सकते हो मेरे पास भी दो इलेक्ट्रिक साइकिल हैं घर पे एक मेरे को निकालनी है किसी को चाहिए तो बताना मेरे को ई बाइक्स है ज़्यादा नहीं चली हुई है और बहुत छोटी होके फोल्ड हो जाती है पीछे से मजे से जिमनी की डिग्गी में दोनों आ जाएंगे इतनी छोटी हो जाती है पहिए छोटे हैं उसके छोटे छोटे पहिए हैं और वो एक चार्ज पे रफली 20 किलोमीटर चलती है तो उसका चार्जर वगैरह सब कुछ है साथ में तो दो है ना मेरे पास तो एक मैं निकालने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अभी ली थी किसी से ये सोच के कि मैं दो रखूँगा अपनी कैंपर वैन में लेकिन जगह ही नहीं है उसके अंदर कैंपर वैन बनी नहीं थी साइकिलें पहले ले ली थी अब कैंपर वैन जब बन रही है तो दिख रहा है कि उसके अंदर दो साइकिल तो आएगी नहीं एक ही आ जाए तो वो भी गनीमत है सर ग्रैंड होटल ग्रैंड होटल रिवेरा हाँ रिवेरा और इसके इसके चार्जेस क्या होंगे कम से कम 30,000 क्योंकि इसका तो प्राइवेट बीच भी होगा ना ओवरलुकिंग है हाँ ओवरलुकिंग सी है और इट माइट बी हैविंग इट्स प्राइवेट बीच आल्सो दोस्तों ये मेन स्ट्रीट है या रोड है आपकी सोरंतो की कल रात में दिखाया था मैंने आपको और अभी मैं दिन में दिखा रहा हूँ अब घुस तो गए हम इसके अंदर कल रात को भी रिस्क लिया था और हरप्रीत जी बोलते रिस्क में तो इश्क है अब बताओ अब कहते हैं अभी मैंने इनको बहुत मना किया कि यहाँ नहीं घुसते हम फंस जाएंगे फाइन हो जाएगा फिर कहने लगे कोई चिंता ही नहीं फाइन मैं दूंगा मैंने कहा फिर ठीक है और अगर नहीं दूंगा तो आपसे लूंगा है ना नहीं दूंगा तो भैया जो होगा देखा जाएगा अब देखा जाएगा तो जब वो फाइन देने को तैयार है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है जहाँ मर्जी घुसाओ और जो आपके ब्लॉग के हिट्स पड़ेंगे उसका जो फायदा उसका वो मैं आपको पास ऑन कर दूंगा हाँ बस ठीक है इन मॉनेटरी टर्म्स हाँ मॉनेटरी टर्म्स में जब आपको पता लगेगा ना कि क्या बन रहा है तो पता लगेगा आपको कि आपका 100 भी कवर नहीं होगा फाइन का पैसा क्योंकि अब व्यूज है नहीं ना खास लेकिन कोई गम नहीं उसका क्योंकि हम कोई यूट्यूब के सहारे तो जा नहीं रहे इस ट्रिप पे आप जा रहे हो क्या बिल्कुल भी नहीं अरे हाँ। मैं तो बनाते नहीं मैंने हाँ, हाँ, वैसे भी मैं तो आपके सहारे हूँ सर सारा मिल नहीं रहा खास बट सारा आपका ही है अभी देख रहे हैं 18 साल की उम्र से वर्ल्ड ट्रेवल कर रहे हैं और मैंने ट्रेवल किया वर्ल्ड ट्रेवल 58 के बाद तो ज्यादा फर्क नहीं है सिर्फ 40 साल पहले शुरू हो गए थे ये मुझसे और जो मैंने 40 साल में किया ना आप ये 40 महीनों में कर लोगे हाँ वो मैं मानता हूँ देखा ये तो मानता हूँ फिर मैं करता ही ऐसे ही हूँ लेट शुरू करता हूँ लेकिन फिर बहुत ज्यादा तेजी से करता हूँ और फिर सडनली छोड़ देता हूँ फिर किसी और चीज में मन आ जाता तो वो शुरू कर देता हूँ तो दोस्तों मेरे को लगता है हम ZTL वाले एरिया से निकल गए यार इस अच्छा यार हाँ ये आप भूल ही गए इतने सारे ज्ञानी पुरुष है हमारे व्यूअर्स में ना दोस्तों यार ZTL का मतलब बताना ZTL का मतलब ये था अच्छा हाँ गूगल पे भी देख सकता हूँ मैं भूल ही गया गूगल बाबा भी सेंट्रल जोन में टैक्स देना पड़ता है हाँ वो लेकिन ZTL का फुल फॉर्म क्या है ZTL ओपन का मतलब क्या है या ZTL नॉन एक्टिवा का मतलब क्या है ये तीन चीजें हमें देखनी है तो अभी एक पुलिसिया के छोड़ यार वो पता है बिठा लेगा यही पे कहेगा आप ZTL से आए हो यही बैठो उसको समझाते हैं समझते हैं धन निकल जाए चलो अब हम दोस्तों निकल रहे हैं नेपोली यहाँ इटली में नेपोली लिखा है और वैसे नेपल्स है
दोस्तों ये आ गया नेपोली। इटालियन वालों के बोर्ड पे नेपोली लिखा होता है, वैसे गूगल मैप पे देखोगे तो नेपल्स लिखा होता है। तो अभी बजे हैं 12:45, 12:45। तो क्या हुआ, पहले तो हम कंट्री साइड रोड से आ रहे थे, फिर बीच में ना बहुत स्लो हो गया मामला, फिर ये हुआ कि चलो यार हाईवे से ही चलते हैं। तो फिर हमारा अभी 3.3 यूरोस टोल लग गया हाईवे के लिए, और हमने बचाए मात्र 20-25 मिनट। तो अभी ये नेपोली की बीच की रोड है, शायद आपको क्या लगता है मेन रोड है? नहीं, थोड़ा विंड स्क्रीन साफ कर देना, अब की बार उतरेंगे यार शीशा साफ करना है। तो ये गाड़ी गाड़ी भी सफाई करनी है, इसकी कहीं धुलवाई कर सकते हैं हम? इंडिया में नहीं, मैं करूंगा, आपको थोड़ा कह रहा हूँ, आपको तो सिर्फ देखना है कहाँ पे होनी है। मेरे को सिर्फ वीडियो बनाना है। आप सिर्फ वीडियो बनाना, आपसे आप क्या कहते हैं करना तो मेरे को है, वो तो मेरे को पता ही है, वो मैं कर भी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ करना है ये तो बता दो। सेल्फ यहाँ पे ना दोस्तों सेल्फ वॉशिंग होती है, पैसे डालो और वॉशिंग करो, इससे पहले भी मैंने की थी वहाँ। अब हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने, तो कोई एक बंदा मिला था डीसी वाशिंगटन का हमें कल, उसने हमें यहाँ की लोकेशन भेजी है, वो भी पिज़्ज़ा खाने आया था वाशिंगटन डीसी से यहाँ पे। अब देखो लोग क्या क्या करते हैं, और अभी तक सच बोलूँ मैंने जितने पिज़्ज़ा इटली में खाए हैं ना उसे कहीं ज़्यादा गुना अच्छे दिल्ली में बनते हैं, कहने के लिए। तो आज देखना है कि यहाँ का पिज़्ज़ा कैसा है, और क्योंकि हम रैंडम शॉप पे नहीं जा रहे हैं, किसी के रिकमेंडेड शॉप पे जा रहे हैं। यहाँ पे आप स्कूटर देख रहे हो, स्कूटर की ना विड्थ बहुत कम है, और सबके आगे शीशा लगा हुआ है हवा से बचने के लिए। तो जो लोग यहाँ स्कूटर पे बैठे होते हैं वो आधे तो स्कूटर के बाहर ही निकले होते हैं लेफ्ट राइट से, जैसे भी मोटे होंगे तो बाहर निकल जाएंगे, पतले वाले तो अंदर रहते हैं। अरे यार ये लेफ्ट में कोई मॉन्यूमेंट रह गया, चर्च है, चर्च नहीं जाना यार, सारे मेरे व्यूअर्स कह रहे हैं और कोई चर्च नहीं जाना, ये तो बेकार स्ट्रीट है यार, घर भी गंदे हैं। नेपल्स तो यार बहुत क्राउडेड सा लग रहा है मेरे को, देख रहे हो आप बिल्डिंग्स की हालत देखिए, लगता है सदियों से इनके ऊपर रीपेंट नहीं हुआ है। यार ये जानबूझ के ऐसे रखा है कि लोगों को लगे कि ये बड़ा हिस्टोरिक सा टाउन है। देख रहे दीवारों की हालत क्या हो रही है, घर की फार्मेसिया के ऊपर फार्मेसी को यहाँ लिखा होता है फार्मेसिया, स्पेलिंग भी दूसरी ठीक से PHAR नहीं होता, FAR फार्मेसिया। अब हम जा रहे हैं पिज्जा खाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या समझ में आ रही है हरप्रीत जी, कि गाड़ी कहाँ पार्क करोगे? पार्किंग का तो कितना दूर रह गया, 800 मीटर। यहाँ तो कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं नजर आ रही है। आज कोई संडे है क्या? वर्किंग डे है, फिर भी हाल है। मतलब छोटी सी पतली सी सड़क है, वन वे है, दोनों तरफ गाड़ियां पार्क्ड है, ऊपर कार्यालय जाने का। हाँ है ऊपर जाने का, पता नहीं अब है तो आग ऊपर जाने का, अब जाएंगे कैसे वो नहीं पता मेरे को, ये एक्चुअली पैदल जाने का होगा। तो बस भी आ रही है भाई पीछे से, ये डांस कर रही है, तेरी अच्छी पार्क कर रही है। ये देखो हम कहाँ घुस गए हैं पिज्जा के चक्कर में, पिज्जा तो मिल जाए, ओए देखो यहाँ पार्किंग ना, ये भी नहीं होगी, तो पिज्जा मिले ना मिले पार्किंग नहीं मिलेगी, और पार्किंग नहीं मिलेगी तो हाँ तो पिज्जा हाँ गैराज हाँ घुसे ना घुसे, अरे अब घुसना ही पड़ेगा, पिज्जा खाना है तो पिज्जा ऊपर आपका टेंट लगा ना ऊपर, वो जो हाँ पिज्जा से ज्यादा पैसे तो पार्किंग के देने पड़ेंगे। अब आप सर देखना चाहते हो यहाँ पे, आपका बहुत ढलान है, हम नीचे जा रहे हैं, पार्किंग मिल गई तो पिज्जा खा पाएंगे, नहीं तो भाई
बिना पिज्जा के आगे जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आरपी जी ने बोल दिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो मैं इतना तो ठीक हूँ। जब वो बोलते हैं ना मैं ठीक कह रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ठीक हूँ। तो आसानी से तो बोलते ही नहीं, हर वक्त ही बोलते रहते तुम गलत हो। अब ये देखो तो आपकी गाड़ी जाएगी अंदर के नहीं है, ये तो उतर के ही देखूंगा मैं, लगता रहा है चली जाएगी। ये लगता है कोई फेमस पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है, पिज़ारिया बोलते हैं। और पार्किंग ली है अभी 5 यूरो पर, पैसे अलग देने हैं पार्किंग के, पैसे अलग देने हैं। खतरनाक है यार, 1 घंटे के 5 यूरो पार्किंग। भैया गाड़ी बाद में घुसी थी, पर्ची पहले का बना दी थी उसने, समझे आप? पर्ची पहले ही काट रखी थी, पर गाड़ी घुसने से पहले ही। हाँ जी, पर्ची के अनुसार 10 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी आपके। पूरी पढ़ाई है आप, जगह इतनी कम है ना, इसलिए इन्होंने पार्किंग बहुत प्रीमियम है। ये लगता है कोई फेमस पिज़्ज़ेरिया रेस्टोरेंट है, और देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी ने रिकमेंड किया था। एंड नाइस यू चाओ चाओ चाओ, वी हैव कम फ्रॉम इंडिया। वेरी गुड। सो लोकल्स ने भी बोल दिया है। ओ सो वी गो एंड हैव पिज़्ज़ा हियर, वाओ, इट्स ए फेमस प्लेस। ओह अंदर पे काफी बड़ा है ये पिज़्ज़ा शॉप। It's a pretty big place. Okay, wow. अंदर ये काफ़ी बड़ा है पिज़्ज़ा शॉप, बाहर से छोटा है। अब ये देख रहे हो कितनी सारी सीटिंग एरिया है, पीछे भी बहुत सारा सीटिंग एरिया है। ये तो बहुत बड़ा है, उधर ही बैठते हैं। लेट सिट आउटसाइड, हियर इट्स वेरी बिग फ्रॉम इन साइड। या ओके, इट्स अ वेरी फेमस प्लेस। ये देख रहे हो दोस्तों, बाहर से कितना मिसलीडिंग है, छोटा लगता है, अंदर से देखो कितना बड़ा है। मेरे को आप बोल रहे हो, खुद 10 मिनट लेट आए। ओके, 2 पीपल। हरप्रीत जी देखो ऐसे भाग के आए हैं उधर, जैसे कि पता नहीं इनको कोई स्पेशल व्यू मिलने वाला है। या इंग्लिश यू आल्सो स्पीक इंग्लिश? ओके, इज दिस प्लेस वेरी फेमस? यस, समबडी टोल्ड अस वी कम फ्रॉम इंडिया। या व्हिच इज अ गुड पिज़्ज़ा, वी हैव कार पार्किंग फॉर 1 आवर। बेस्ट इज दिस वन, मरीना लास्ट वीक। This is vegetarian. Pepperoni? Yes. No, pecorino cheese. आप कहीं फेमस पर्सनैलिटीज, ये तो कोई एक्ट्रेस है, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप मेरे को बताना इसका नाम क्या है। तो ये भी यहाँ पे आई है, पिज़्ज़ा आ भी गया, बहुत फास्ट सर्विस है, विद इन 5 मिनट्स आपके पास पिज़्ज़ा आ गया। लेकिन ये इन्होंने ना अच्छी खासी मेरी महंगी बियर लगाई है, 5.5 यूरोस की छोटी सी बॉटल है। चलो जी अर्पित जी, पिज़्ज़ा बहुत फास्ट आ गया है, वो नहीं चाहते कि आप डबल दो पाते। तो दोस्तों पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छा था, और जो नॉन वेज पिज़्ज़ा था ना वो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में भी। और पिज़्ज़ा खाने के बाद देखा कि पिज़्ज़ा के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो मेरा वाला वेज पिज़्ज़ा था ना, उसके अंदर क्या कहते हैं, टमाटो बहुत ज़्यादा थे, बेबी चेरी टमाटो ना, तो थोड़ा मीठा मीठा हो गया था इस देर। And see, this is how where the pizza is being made. तो ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत फास्ट पिज़्ज़ा बनाते हैं ये लोग। ये बंदा खड़ा ही हुआ है एकदम रेडी टू मेक द पिज़्ज़ा। ये देखिए फटाफट 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 पिज़्ज़ा बन रहा है इधर। जस्ट सी द स्पीड बाय विच दे आर मेकिंग द पिज़्ज़ा।
और ये इसने मेरे ख्याल से एक बारी में 10-12 पिज़्ज़ा तो अंदर चले जाएंगे। और ये सब यहाँ लिस्ट बनी हुई है, ये कुछ सेलिब्रिटीज़ होंगे जो यहाँ पे अलग अलग टाइम पे पिज़्ज़ा खाने आए होंगे। तो हरप्रीत की भी फ़ोटो यहाँ लगने वाली है, वो बोल रहे थे कि कैन वी टेक योर फोटोग्राफ। तो अभी हरप्रीत की भी फ़ोटो यहाँ लग जाएगी कल से। तो मैं बाहर आ गया, उन्होंने मेरे को बोला आप बाहर जाओ और हम हरप्रीत की फ़ोटो खींचेंगे। तो मैं तो निकल रहा हूँ बाहर, अभी हरप्रीत जी की फ़ोटो खींचने वाली है और वो वहाँ लगने वाली है। ये आ गया मैं वापस गली में। मतलब इसके अंदर कम से कम 150 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी, ये बाहर से छोटा था, अंदर 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 जाके बहुत बड़ा हो गया था ये। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को पिज़्ज़ा अच्छा लगा लेकिन बहुत मीठा हो गया था, चेरी टमाटोज कुछ जोर से ज़्यादा डाल दिए थे और मशरूम वगैरह कुछ भी नहीं था उसमें। लेकिन उसका पिज़्ज़ा मैंने थोड़ा सा खाया था उसमें से नॉन वेज पोर्शन निकाल के, तो वो पिज़्ज़ा मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों अभी एक पावर ब्रेक लिया है हमने, कि 6:10 हो गए हैं शाम के और गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, 140, 150, 160, और पी जी धीरे चलाते ही नहीं है। और कहाँ पहुँच गए ये मेरे को आइडिया नहीं है, बस हाईवे पे हैं कहीं। और यहाँ डीजल बहुत महंगा है यार, 1.9 ऑलमोस्ट 2 यूरोस पर लीटर। और यहाँ पे भी मेरे को ऐसा ही कुछ दिख रहा है, अभी हमें लेना पड़ेगा। पिछली बारी पिछले स्टॉप पे ना सिर्फ हमने 20 यूरोस का लिया, ये सोच के कि शायद आगे सस्ता मिल जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ भी सस्ता होगा, मैं देख के आता हूँ। ये खड़ी है हाइलक्स प्यारी, तो पता यहाँ से कोई गाड़ी ना आ जाए बहुत तेज, तो साइड से ही चलते हैं यार। यहाँ पार्किंग वगैरह है पता नहीं, पेड पार्किंग है क्या है ये, क्या पेट्रोल पम्प से पेड पार्किंग नहीं होती है यहाँ, शायद उतना महंगा नहीं है। पिछला वाला पेट्रोल पम्प तो बहुत महंगा था, और क्योंकि ना शहर में पहले फ्यूल लिया नहीं था तो वहाँ लेना कंपलसरी हो गया था, उस पर आ गया था लेस फ्यूल पे। तो यहाँ पे डीजल का रेट उत्तरी की यहाँ तो और भी ख़तरनाक है, 2.15 मर गए, सुपर है 2.238 और नॉर्मल है 2.15, लंका लग गई है। चलो जो भी है लेना तो पड़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव कुछ बचा नहीं है। उधर वो बुला रहे हैं जोर जोर के, आओ आओ आओ। तो कुछ ना रात को रुकने की जगह ढूंढ लिया, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है आज। दोस्तों सुबह मज़ा आ गया यार सी में ना, हरप्रीत जी को मैंने इतना बोला आप भी आ जाओ स्विम कर लो, या तो उनको स्विमिंग आती नहीं है, बोल तो रहे हैं कि मेरे को आती है, वो ये सब ना एडवेंचरस एक्टिविटीज़ नहीं करते, बस किनारे पे खड़े रहते हैं, एज हो गई है ना उनकी। दोस्तों हम चल चुके हैं करीब 455 किलोमीटर और समय हुआ है इस समय रात के 9 बज गए हैं। 19 का मतलब 9 ही होता है ना, हाँ 19 का मतलब 7 होता है। ये देखो हरप्रीत जी ना बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को जब से, मतलब हंस रहे हैं देखो पीछे से, मतलब लेकर मेरी ले रखी है इन्होंने पैर से ना काम करके रखा है। पता है आज तो सब लगी जा रही है हमारी, डीजल का रेट पता है आपको कितना हो गया और बढ़ बढ़ के 2.2 यूरोस पर लीटर। और अभी हमने टोल कितना दिया, थोड़ा था चले होंगे 24 यूरोस टोल दिया। और अब हम आ गए कंट्री साइड पे,
अपना गम गलत करेंगे यहाँ पे जंगल में सोएंगे, आज होटल नहीं ले रहे पैसा बचाने के लिए। तो हम एक जंगल एक जंगल में ढूंढ रहे हैं कोई आशियाना मिल जाए कहीं पे जहाँ पे, और बारिश ऊपर से अलग हो रही है तो आज हमारी बैंड बज गई है, खर्चे पे खर्चा हो रहा है। वहाँ पे एक तो पिज़्ज़ा बहुत महंगा था, मैंने आपको यह पिज़्ज़ा का रेट बताना भूल गया, ऑलमोस्ट 10-11 यूरोज वो लग गए एक पर हेड, और 6 यूरो की बियर लग गई और 5 यूरो पार्किंग लग गए। उसके बाद 2 जगह टोल टैक्स दिया, 30 यूरो टोल टैक्स लग गया और 2.2 यूरो पर लीटर से डीजल खरीदा। बस अब देख लो आज तो हरप्रीत तो अपना आपा ही खो बैठा है, तो पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। आज तो लंका डूब चुकी है, कह रहा मेरी लंका लग गई आज। ओ भैया ये वाली लाइट बंद कर दे। आपने हाई बीम की हुई थी क्या? हाई बीम नहीं की, ये हाई बीम मैंने वो की हुई है, ये हाई बीम की भी बात है। okay. तो छोड़ दो, हाई बीम करके रखेंगे गाड़ी आएगी बंद। अब ऐसे रास्ता कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये पता है पेट्रोल पंप के कितनी बगल में था, 1.5 किलोमीटर था, और क्योंकि वो हाईवे था हम 30 किलोमीटर ड्राइव करके वहीं जा रहे हैं जहाँ पेट्रोल पंप था। ये तो बोल रहे थे कि गाड़ी वहीं रोक के ना टप्पा मार के पैदल चलते हैं एक एक बैग लेके। तो हम कोई ना होम स्टे ढूंढा है इन्होंने, वहाँ जा रहे हैं। अगर होम स्टे अच्छा नहीं लगा तो आज तो मैं पीटने वाला हूँ इनको, गाड़ी में सोएंगे अर्पित जी कह रहे, उन्होंने बोल दिया तो पक्का हो गया बस फिर तब छोड़ के। हाँ वो जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई बदल नहीं सकता फिर। तो इन्होंने बोल दिया आज गाड़ी में सोएंगे तो गाड़ी में सोएंगे। वैसे रास्ता तो समझ नहीं आ रहा क्या लग रहा है, एकदम हेडलाइट के अंदर ही, बस इसके आगे से ना एक हिरन भागता हुआ चला जाए और उसके पीछे एनोकोंडा सांप तो बहुत मजा आएगा एकदम। कितना दूर है क्या? अरे अभी काफ़ी है यार, 8.5 किलोमीटर है। चलो दोस्तों यार थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, अभी तो 8.5 किलोमीटर है। रात के 7:30 बजे हैं और हमने booking.com से ऐसा एक जंगल के अंदर घर बने हुए दूर दूर, तो उसमें से एक रूम बुक किया है 6,000 रुपये में दोनों लोगों के लिए विद ब्रेकफास्ट। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो हम करीब 480 किलोमीटर चले हैं आज सोरोंटो से, और टस्कनी ये डिस्ट्रिक्ट वो है स्टेट है जो भी है, यहाँ से फिर कल आगे जाएंगे हम फ्लोरेंस पीसा एंड मिलान। अब कहाँ तक पहुँचेंगे ये मालूम नहीं है। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ और आगे का कार्यक्रम बताता हूँ। आगे का वैसे अब कोई खास कार्यक्रम बचा नहीं है, देखो कितना ये सुबह दिखाऊंगा मैं आपको, मस्त जगह लग रही है ये, और ऐसा लग रहा है यहाँ कहीं कहीं फ्रूट्स भी लगे हैं पूरा। ये देखो जी ये तो हमारा कमरा है, आज हमें एक साथ ही सोना पड़ेगा, अभी तक हम अलग अलग बेड पे सो रहे थे, खतरा है आज किसी एक को ही तो इज्जत जाने वाली है। अभी शक्ल तो दिखा दो लोगों को आपके चाहने वाले, जिसकी इज्जत लूटने वाली है वो जरा शक्ल नहीं दिखाता जिसकी इज्जत लूटने वाली है वो शक्ल नहीं दिखाता अपनी। ये देखो ये आपका वॉशरूम है, तो वॉशरूम तो ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रिक कैटल लगा दी है, और एक और ये टेबल है और ये सब रेडी हो गया। तो इधर तो मैं सोने वाला हूँ, इधर बीच में हम एक तकिए की लाइन लगाएंगे, लगानी है ना हरप्रीत जी, बेड बहुत छोटा है ये, लक्ष्मण रेखा। हाँ लक्ष्मण रेखा, और ना जो सबसे हाई पॉइंट है वो मैं दिखाता हूँ, ये गार्डन तो है ही, और बाहर ना कोई टेंट भी लगा हुआ लग रहा है मेरे को उधर रोशनी के पास ना बैठने की जगह लग रही है। अब जाएंगे कैसे वहाँ? हाँ ये रही ना, ये है जगह वहाँ जाने की। यार यहाँ तो रात को कोई सांप बिच्छू भी आ सकता है, वो दूर हाईवे है दिखेगा ही नहीं आपको। अच्छा सबसे बढ़िया पॉइंट ये देखो, क्या तो डोर है यार, ब्यूटीफुल दिस प्लेस ना। ये देखिए इधर ये कितना बढ़िया इन्होंने गार्डन सजाया हुआ है दोनों तरफ। अब ये इवन दिस लॉक इज़ वंडरफुल। तो यहाँ हमें सुबह ब्रेकफास्ट मिलने वाला है, ये विद ब्रेकफास्ट है। ये देखो क्या सजाया है ऊपर, लाइट देखो कितनी बढ़िया है, यहाँ नो स्मोकिंग, इधर भी देखो औजार रखे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया लगाया हुआ है प्लांट्स। ये देखिए यहाँ पे जिसका घर है ना वो यहाँ से ऑपरेट करता है, और ये सब पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे, रूल्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये क्या चीज़ है, ये यहाँ का मैप वगैरह है, इसके स्टडी करता हूँ अभी ले जाता हूँ। यहाँ साइकिलिंग वगैरह के रूट्स हैं बहुत सारे, ये सारी कटलरी वगैरह है, और
ये भी कोई एक मैप है, ये मेरे को लग रहा है कोई मस्त जगह है। अब ये देखो क्या बढ़िया किचन है यार, ऑल टू योरसेल्फ। अब ये तो मैंने देख लिया कैसे जलता है, ये मेरा रेडी टू मिक्स है, दाल पालक, दाल पराठे, मक्खन, ये सब हरप्रीत जी को बना के खिलाना है। उनको ये सब पसंद नहीं है, उनको खाना होता है बाहर मार्केट में जाके, लेकिन आज उनकी मजबूरी हो गई है। अब ये सारे कटलरीज वगैरह लगी हुई हैं, सेंटर टेबल, डस्टबिन, फ्रिज है, इधर ना ये कॉफ़ी मेकर है। अब ये कॉफ़ी के लिए कैसे बनती है ना, ये उनको आता है, मेरे को तो आता ही नहीं है ये कैसे यूज़ करना है। और इसमें कुछ है, ओके, क्रॉकरी है, और ओह वाह, तो देखो इसके अंदर ये सब है चाय वाय बनाने के लिए, अलग अलग टाइप के मिल्क हैं, ओके, ये ब्रेड भी है। ये तो सुबह ना हमें ब्रेकफास्ट में मिलेगी, मतलब हम इसको ऐसे ही नहीं खा सकते, ये हमारी नहीं है, ओके। मैं तो सब देख रहा हूँ इसमें क्या क्या है, ओके, पानी की बोतलें हैं, फ्रिज में क्या है, फ्रिज भी भरा हुआ है इनके लिए, जाम वाम मिल्क वगैरह, ओके। तो ये सब हमें ना सुबह ब्रेकफास्ट में मिलेगा। नीचे ये सब मीट वगैरह भरा हुआ है इसके अंदर, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये डिश वॉशर हो सकता है। एनीवे ये सब कुछ बहुत बढ़िया सजाया हुआ है। अब पता है क्या है, ये ना शॉट इतनी अच्छी ना भी आए, शॉट पता है कब बढ़िया आती है, जब आप कैमरे में देखते हैं और कैमरे की मूवमेंट करते हैं। अब क्या हुआ, कैमरा डायरेक्ट देख रहा है और मैं बिना कैमरे के थ्रू देख रहा हूँ, तो हो सकता है ये क्लिप अच्छी नहीं आई, लेकिन मैं रीटेक नहीं कर रहा क्योंकि मैं कोई अभी दोबारा नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गया बस, अब हम अपना डिनर वगैरह की तैयारी करेंगे या जो भी वो करना चाहते हैं हरप्रीत जी। मेरी तरफ से दिस इज़ द एंड ऑफ द डे। सो दोस्तों राम राम, शब खैर एंड गुड नाइट। हरप्रीत जी, गुड नाइट जी, सबको राम राम कर दो। राम राम राम, गुड नाइट जी। हाँ जी, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। खालसा, वाहेगुरु की फतेह। फतेह, चलो ओके, सोने हार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।